प्रस्तुत है अलिफ लैला की कहानी जैनुसनम और जिन्नों का बादशाह का रेडियो नाट रूपांतरण। रेडियो नाट रूपांतरण किया है डॉक्टर हामिद हुसैन ने, प्रस्तुतकर्ता शाकिर अली। मलिका आलिया, शहजादे आ गए। आ गया मेरा बेटा जैन। कहाँ है मेरा जैन? अभी महल के चौकीदार ने खबर दी है। लीजिए, वही आ गए। माँ! आओ बेटा, कहाँ रुक गए थे? ओ माँ, आपको तो मालूम था मैं काहिरा गया हूँ। काहिरा पास तो नहीं है ना माँ, बसरा से पूरे 25 दिन का रास्ता है। लेकिन बेटे, तुम्हें क्या मालूम, ये 2 महीने 2 साल से भारी गुजरे। एक एक दिन गिन गिन कर काटा है मैंने। पहले पहले सुल्तान की मौत, और फिर बेटे तुम भी चले गए। माँ, माँ मैं करता भी क्या, रोज रोज के एक ही ख्वाब ने मुझे बेचैन कर दिया था। वो नूरानी सूरत के बुजुर्ग रोज मुझे ख्वाब में दिखाई देते और एक ही बात कहते, काहिरा जा, तेरी भलाई का रास्ता खुलेगा। तो फिर क्या हुआ, कोई नतीजा निकला इस सारी मशक्कत का? नतीजा ये हुक्म हुआ कि वापस बसरे जाओ और सुल्तान के मकबरे के पास की जमीन खोदो, बेशबहा दौलत मिलेगी। तो वो बुजुर्ग मिल गए? कौन है वो? नहीं, मिले तो नहीं माँ, काहिरा की सराय में सोया ही था कि ख्वाब में नजर आए और बोले, तुम इम्तिहान में पूरे हो, तुम सादत मन भी हो और बाहिम्मत भी, तुम उस दौलत के हकदार हो जो तुम्हारे बाप ने इकट्ठा की थी। अब वापस बसरे जाओ और सुल्तान के मकबरे के पास की जमीन खोद कर देखो। बेटा, तुम भी किन ख्वाबों के किस चक्कर में पड़ गए? पहले भी तुम्हें इतना समझाया, सपनों की बातें कहीं सच होती हैं? नहीं माँ, नहीं, ये ख्वाब ऐसे वैसे ख्वाब नहीं लगते। इस ख्वाब में यकीनन कोई राज है और मैं उस राज की तह तक पहुंचना चाहता हूँ। बेटा, मैं तुझे फिर समझाती हूँ, पागलपन छोड़ और मुल्क का काम काज देख। अभी तो सुल्तान के मकबरे की तामीर का काम ही अधूरा पड़ा है, बुनियाद की खुदाई का काम ही पूरा नहीं हुआ। देखो ये शोर क्यों हो रहा है, खामोश करो इन्हें। मालिक, एक कड़ा निकला है, संगमरमर की सिल में एक कड़ा निकला है मालिक। कैसा कड़ा, कहाँ की सिल, क्या बात है? बुनियाद के लिए, वह मकबरे की बुनियाद के लिए खुदाई चल रही है, मिट्टी के नीचे से एक संगमरमर की सिल निकली है, उसमें एक बड़ा सा कड़ा लगा है, लगता है वहाँ कोई ठिकाना है सरकार। ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं भी चल रही हूँ। हटो, एक तरफ हट जाओ। हुजूर, इधर तशरीफ लाए, ये देखिए हुजूर। हाँ देखो, सिल पर से चारों तरफ की मिट्टी हटाओ। इधर आ, हाँ तुम इधर आ। हाँ, और आप दोनों मिलकर कड़ा पकड़ कर ऊपर खींचो, ऐसे। हाँ खींचो, खींचो। हाँ, सिल सरक रही है, और जोर लगाओ। देखो जहाँ से सिल उठ रही है। हाँ, ये लकड़ी भी लाओ। फंसा फंस गई। हाँ, यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं सरकार, लेकिन अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा। ये मशाल जलाओ और सुनो, ये रास्ते का मलबा हटाओ। अरे अरे, ये तो तहखाना है। चलें मां, नीचे उतरें। अरे अरे, तुम अंदर अकेले ना जाओ, किसी गुलाम को भेज दो जैन। नहीं नहीं मां, ये मुनासिब नहीं है। सो ठहरो, मैं भी आती हूँ, बेटा रुको। संभल कर मां।
या अल्लाह, ये बड़े बड़े घड़े, क्या होगा इन 8 घड़ों में? लगता है इनमें शराब है। कहते हैं रोम में शराब को पुराना करने के लिए घड़ों में भरकर तहखानों में रख देते थे। माँ, घड़ा तिरछा ना करो माँ, सारी शराब आप पर आ गिरेगी। ये तो अशर्फियां हैं। और इस घड़े में माँ, माँ देख, जवाहरात और हीरे और के ये, या खुदा, इन घड़ों में इतना बड़ा खजाना खजाना भरा रखा है, और सुल्तान ने इसका कभी जिक्र भी नहीं किया। माँ देखो, ये छोटा घड़ा, अरे इस पर कपड़ा बांधकर मोहर क्यों लगाई गई है? अरे ये तो खाली लगता है। कमाल है, जरो जवाहर के घड़े तो खुले रखे हैं और खाली घड़े पर मोहर। मोहर तोड़ कर देखो बेटा, अंदर जरूर कोई ज्यादा कीमती चीज होगी। ये इसमें तो ये कुंजी है। इतनी बड़ी सारी सोने की कुंजी? महल में इतना बड़ा कोई ताला है माँ? नहीं तो, लगता है ये कुंजी यही तहखाने में कहीं लगती होगी। जरूर इन दीवारों में कोई चोर दरवाजा है। यहाँ यहाँ दीवार खोखली लगती है, कुंजी जा सकती है। सचमुच अंदर ही ताला है। है? अरे अरे, अंदर इतनी तेज रोशनी, ताज्जुब है, तहखाने में इतनी रोशनी। इधर आओ माँ, ये रोशनी तो इन मूर्तियों से निकल रही है। ये या अल्लाह, हीरे लाल और याकूत की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। हाँ माँ, यकीन नहीं आता कि दुनिया में कहीं इतने बड़े बड़े हीरे और लाल भी मिल सकते हैं। और ये कारीगरी भी इंसानी हाथ की नहीं मालूम होती माँ। ये तो देखो, नवी मूर्ति का पाया खाली है, उसके पर्दे पर लगता है कुछ लिखा है। देखो बेटा जैन। हाँ, अरे ये तो बाबा जान की लिखावट लगती है माँ। पढ़ो पढ़ो तो बेटा जैन। हाँ माँ। प्यारे बेटे, मैंने ये 8 मूर्तियां बड़ी मेहनत से हासिल की हैं। अफसोस कि नवी मूर्ति हासिल ना कर सका, वो इन सबसे ज्यादा खूबसूरत और कीमती है। वहां मुबारक नाम का मेरा एक पुराना गुलाम है, लेकिन अब उसका शुमार वहां के अमीरों में होता है। कामयाब होना चाहते हो तो उसके कहने पर अमल करना। तो कभी पता भी ना चलने दिया कि वो इन सब कामों में भी मसरूफ रहते थे। आइए आइए, ये सब जैसा था वैसा ही बंद कर दें। चलो बेटा, मुझे काहिरा रवाना होने की तैयारी करना है। आइए 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 शहजादे, आइए तशरीफ लाइए। इस सराय में आप महीना भर पहले भी तो आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। भाई इस बार तुम्हारे यहाँ ठहरूंगा तो नहीं। जी किसी को साथ कर दो, मुझे अमीर मुबारक के यहाँ जाना है। जी बहुत अच्छा सरकार, इधर तशरीफ रखें। वो देखिए, वो मीनारे आप देख रहे हैं ना? जी हाँ जी हाँ।
वो काहिरा की जामा मस्जिद के मीनारे हैं। अच्छा। और ये सड़क सीधी वहीं जाती है सरकार। मस्जिद के पास आप किसी से भी अमीर मुबारक का पूछ लें, बस समझ लें आप पहुंच जाएंगे। बहुत मुनासिब, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम अमीर मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका। जी, मेरा नाम ज़ैनुस सनम है, मैं बसरे से आया हूँ। मेरे वालिद सैफुल मुल्क बसरे के सुल्तान थे। थे? क्या मानी? जी, वो 4 माह हुए उनका इंतकाल हो गया। ओह, ये आपने बड़ी अफसोसनाक खबर सुनाई। आप अंदर आइए। मेरी ऐसी हैसियत तो नहीं कि आपके शाया निशान इस्तकबाल कर सकूं, फिर भी गुलामी का शर्फ बख्शें। यह आपका खलूस है। बाबा जान ने भी ये लिखा था कि आप मेरी हर तरह मदद करेंगे। लिखा था? जी हाँ, कुछ हफ्ते पहले हमने जब तहखाना खोला तो उसमें 8 नायाब मूर्तियाँ मिली। नबी मूर्ति की जगह बाबा जान की यह तहरीर थी कि मैं उसे हासिल करने के लिए आपसे मिलकर कोशिश करूं। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। आप इतना लंबा सफर तय करके तशरीफ लाए हैं, आज तो आराम फरमाएं, कल सुबह ही हम लोग चल देंगे। सफर लंबा भी है और दुश्वार भी। देखो, शहजादे के कयाम के लिए 7 वाले महल में बंदोबस्त किया जाए। शहजादे, ये पहाड़ी रास्ता बहुत तंग और घुमावदार है। अभी हमें सामने वाली झील को पार करके वो दूसरी तरफ जजीरे तक पहुंचना है। लेकिन दूसरा किनारा तो दिखाई भी नहीं दे रहा, और झील को पार कैसे करेंगे हम? मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि हम कहां जा रहे हैं। सुनिए, हमें जिनों के शहंशाह से मिलना है। वो उस जजीरे पर उसका किला है। अभी उसकी एक किश्ती यहाँ आएगी, उसमें एक नहायत भयानक सूरत का मल्ला होगा। क्या? उसका सिर हाथी का और धड़ शेर का होगा। या खुदा। और सुनिए, जब वो आपको अपनी सूंड में लपेट कर किश्ती में बिठाए तो याद रखना कि आप ना उसकी आंखों में देखें और ना उससे कोई बात करें। अगर आपने उससे कोई सवाल किया तो किश्ती गायब हो जाएगी और हम झील में गोते खाने लगेंगे। देखिए, वो आ रहा है, जल्दी करें। उसके आने से पहले झील पर हमें पहुंच जाना है। इधर इधर करीब आ जाइए, आंखें बंद कर लें तो अच्छा होगा। करीब आ रहा है, उसकी तरफ से पीट कर लें। शहजादे, हाँ हाँ, बस ऐसे। वो अपनी सूंड बढ़ा रहा है। क्या ऐसी ठंडी और खुशगवार हवा है? ये खुशबू कहाँ से आ रही है? वो दूर जो एक लकीर सी दिखाई दे रही है ना जी, वही जजीरा है। अच्छा, हमें वहीं पहुंचना है जी। वहाँ चारों तरफ खूबसूरत फूलों के पेड़ हैं, उन पर रंग बिरंगी तितलियाँ हर वक्त मंडलाती रहती हैं। दरख्त मजेदार रंग बिरंगे फलों से लदे हुए हैं। मुझे तो नींद आ रही है। आंखें बंद मत कीजिए, बल्कि कान खोल कर मेरी बात सुनिए। किनारे पर पहुँच कर मल्ला फिर सूंड से पकड़कर हमें जमीन पर खड़ा कर देगा। सुन रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। किनारे पर पहुंचकर मैं एक अमल पढ़ूंगा, उसके बाद शहंशाह जिन नमूदार होंगे।
अगर हमारे आने से खुश हुआ तो बड़ी खूबसूरत शक्ल में, लेकिन ध्यान रहे हर हालत में उससे अदब के साथ बात करना। जी बहुत अच्छा। लीजिए, किनारा भी आ गया। आइए आइए, इधर बैठ जाइए। जी अब मैं अमल पढ़ता हूँ। इसके बाद यहाँ कुछ भी हो, आंधी आए, बारिश हो, बिजली गिरे, ओले पड़े, यहाँ से उठकर भागना नहीं। जी आओ शहजादी, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए। तुम्हारा बाप यहाँ अक्सर आता था, मैं उसे हमेशा कोई तोहफा देकर रुखसत करता था। तहखाने में तुमने जो मूर्तियां देखी हैं वो मेरी ही दी हुई हैं। तुम्हारे बाप से मुझे खास ताल्लुक पैदा हो गया था, उसकी मौत से मुझे बड़ा रंज हुआ। मैंने ही ख्वाब में तुम्हें खजाने का पता दिया था। अजीम शहंशाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे बाप की इज्जत अफजाई की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी अपनी मेहरबानियों से महरूम नहीं रखेंगे। अगर तुमने अपने को भरोसे के लायक साबित किया तो तुम्हारा भी वैसा ही ख्याल रखूंगा जैसे तुम्हारे बाप का रखता था। मैंने वो नवी मूर्ति भी तुम्हारे लिए रखी है जो बाकी सब मूर्तियों से ज्यादा खूबसूरत और कीमती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त? वो क्या शहंशाह? तुम्हें मुझे तोहफे में एक ऐसी लड़की पेश करना होगी जो अपने हुस्न में बेमिसाल हो और जिसके किरदार में कोई खोट या मैल ना हो। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आलीजा, हुस्न का अंदाज तो देखकर किया जा सकता है, किरदार के खोट का पता चलाना तो मेरे बस का नहीं है। उसके लिए ये आईना रख लो, जो लड़की मासूम होगी उसका अक्स इसमें बिल्कुल साफ और रोशन दिखाई देगा, और जरा भी खोट हुआ तो तस्वीर धुंधली होगी। और हाँ, ये समझ लो जो चीज तुम मेरे लिए लाओ उस पर तुम्हारी नियत ना बिगड़े। जनाबे वाला, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो ठीक है, जल्द लौट कर आना, अब हम चलते हैं। हमीर मुबारक, महीने भर काहिरा में कई लड़कियां देखीं, एक भी शहंशाह जिनके लायक न मिली। अब बगदाद में 2 हफ्ते हो चुके हैं, कोई लड़की ऐसी न दिखाई दी कि तलाश खत्म हो। लगता है वो नवी मूर्ति मिलना किस्मत में नहीं है। शहजादे मायूस ना हो, कुछ दिन से मैं शहर के दरोगा मुराद की खातिर तवाज़ो कर रहा हूँ। अच्छा खासा चलता पुरजा है, एक एक घर के अंदर की खबर रखता है। तो कुछ पता चला? पते तो उसने कई बताए, लेकिन बात कहीं जमती दिखाई नहीं दी। सुबह उसने बगदाद के एक पुराने वजीर की लड़की का जिक्र किया था। फिर क्या हुआ? दोपहर में घोड़ा संभाल कर उसकी तलाश में निकल गया। मुलाकात हुई? हाँ, गरीब का हाल अच्छा नहीं। अरे हाल से क्या गर्ज है, लड़की का कुछ मालूम हुआ? इत्तेफाक से लड़की ने ही आकर दरवाजा खोला, जान का टुकड़ा है। पड़ोसियों से मालूमात की, वो बताते थे कि वजीर ने उसे ताले में रख कर पाला है। ऐसा? अब सुबह सुबह चलेंगे। हाँ याद दिला दीजिएगा, साथ में आईना ले चलेंगे। अमीर मुबारक, आईने में तस्वीर बिल्कुल साफ है। अब आप लड़की के बाप से बात कर शादी की तैयारी करें। जी शहजादे। शहजादे जल्दी करो, दुल्हन को भी ऊंट पर डोली में सवार करा दिया है। ये तलवार कमर से बांध लीजिए, इतनी हसीन दुल्हन के साथ
काहिरा तक का लंबा सफर खतरे से खाली नहीं। ठीक है, अब चलो। इस लंबे सफर ने तो चूल चूल ढीली कर दी। अमीर मुबारक, आपने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। क्या? एक रात ही बगदाद में रुक जाते, दुल्हन की बस हल्की सी झलक देखी, लेकिन अल्लाह जानता है कि दिल उलझ कर रह गया है। इधर लाओ हाथ, लाओ अपना हाथ इधर, देखो देखो सीने में कुछ नहीं है। देखिए, बचपना ना कीजिए, समझ ले आपकी शादी हुई नहीं। और सच भी यही है, वो तो शहनशाह जिन की अमानत थे। प्यारे मुबारक, शहनशाह जिन को कोई दूसरी लड़की दे देंगे, मेरी दुल्हन को मेरे पास रहने दो। देखिए, अपनी जान को खतरे में ना डालिए, शहनशाह ने पहले ही कह दिया है कि अपनी नीयत खराब ना करना। जान के खतरे की तो वो सोचता है जिसकी जान हो, अब हमें जान ही कहाँ है। अब ये शायरी छोड़िए, बहादुरों को ये चोचले जेब नहीं देते। ओ मुबारक, आप बड़े जालिम हैं। जुल्म तो आप अपने पर करने वाले हैं शहजादे। कैसे? जानते हैं, शहनशाह जिनके साथ वादा खिलाफी की तो वो क्या करेगा? क्या क्या करेगा मुबारक? पहले तो आपको मार डालेगा, फिर वो आपकी दुल्हन को उठा ले जाएगा, और वो नवी मूर्ति जिसके लिए आप 6 महीने से सेहरा सेहरा की खाक छान रहे हैं वो भी ना मिलेगी। अमीर मुबारक, मैं वही हाल होगा, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम। बस खामोश रहो, दिल के जख्म और न कुरेदो। हाय जैन बेटे, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है, 6 महीने के बाद घर लौटा और इस हालत में। माँ माँ, मैं उस दिन को कोसता हूँ जब उस तहखाने में गया था और उन मनहूस मूर्तियों को देखा था मैंने। तो क्या वो नवी मूर्ति नहीं मिली तुझे? नहीं, शहनशाह जिन ने मेरी दुल्हन भी रख ली और कह दिया जा, मूर्ति तहखाने में पहुंच गई। शहनशाह जिन, दुल्हन, ये सारा क्या मुहम्मा है जैन? माँ, बाबा जान ने जिनों के शहनशाह से दोस्ती कर रखी थी, उसी से ये मूर्तियां लाते थे। मुझे भी ये जिनों का बादशाह बुजुर्ग बनकर चक्कर दिया करता था। मगर अब क्या हुआ? मुझे हुक्म दिया कि एक हसीन और मासूम लड़की लाकर दो। मैंने बगदाद की एक प्यारी सी खूबसूरत वजीर जादी से शादी की। और उसे उस जालिम की भेंट चढ़ाया। कैसे पिलक पिलक कर रोती थी बेचारी की। हाय हाय, मुझे तो उसे गले लगाना भी नसीब ना हुआ। माँ बेटे, अब तू खुद इतने बड़े मुल्क का सुल्तान है, तुझे लड़कियों की क्या कमी है? उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और मासूम दसियों लड़कियां मिल जाएंगी, तू क्यों फिक्र करता है? नहीं माँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने उसके साथ धोखा किया है, मैंने उसे झूठ बोला है। उस मासूम लड़की के साथ दगा किया है मैंने, दगा। नहीं बेटा। जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। बेटे, तू बादशाह है, छोटी छोटी बातों पर इस तरह गम नहीं पाला करते। चल चल, अब सब भूल जा, जो होना था हो गया। उठ, चल कर देख क्या शहनशाह जिन ने अपना वादा पूरा किया या नहीं। नहीं माँ, नहीं, मैं उस मनहूस तहखाने में कदम नहीं रखूंगा। नहीं बेटा, इस तरह ना सोच। शहनशाह जिन जब तेरे बाप का दोस्त है तो तेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा। उसकी जरूर कोई मसलहत होगी, वो तेरा भला नहीं चाहता तो बार बार ख्वाबों में आकर तेरी रहनुमाई ना करता। रहनुमाई? रहनुमाई की बात करती हूँ माँ? माँ, उसने मुझे बहुत चक्कर दिए हैं, अब मुझे उस पर एतबार नहीं। देख
देख बेटा, नादानी ना कर। वो तेरे बाप का दोस्त है तो तेरे बाप की तरह ही है ना, और तेरे अच्छे का ही सोचेगा। चल चल उठ, तहखाने में एक नजर तो डालाएं। अच्छा, आप कहती हैं तो चलें। चल आइए। चलो जैन। ले ले ये कुंजी। दरवाजा तो फिर जम गया। जोर लगा कर धकेल जैन। माँ ठहरो ठहरो, दरवाजा तो पूरा खुल जाने दो। अंदर आ जैन, अंदर। अरे यही क्या, नवी मूर्ति की जगह ये जीती जागती लड़की कहाँ? अरे अरे माँ, ये तो वही है, वही वजीर जाती। मेरी दुल्हन, ये यहाँ कैसे आई? होशियार होशियार जैन, जैन बेटा संभल, देख देख जमीन हिल रही है, जमीन हिल रही है जैन, पता नहीं सलसला आ रहा है या क्या हो रहा है जैन। क्या आपको कहा? या अल्लाह, अरे अरे ये जमीन कैसे फट रही है सर? अरे, अरे अरे ये आप कौन हैं? डरे नहीं, जैन जानता है। क्यों जैन? लेकिन अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? लेने नहीं, देने। लो लो, ये रही तुम्हारी नवी मूर्ति, संभालो इसे। आलीजा, इसकी गुस्ताखी माफ करें, ना तजुर्बेकार है। इसीलिए तो इम्तिहान ले रहा था, मैं जानना चाहता था कि इसमें भी इसके बाप जैसी हिम्मत, सब्र और वादे की पाबंदी है या नहीं। मैं अपनी बेसब्री के लिए शर्मिंदा हूँ शहंशाह जिन। नहीं, तुम एक हिम्मत वाले सच्चे नौजवान हो, तुम्हारी दुल्हन तुम्हें मुबारक हो और तुम खुश और आबाद रहो। जो लोग वादा निभाते हैं वो सच्चे भी होते हैं और बहादुर भी। अच्छा, अब मैं चला, खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे अलिफ लैला की कहानी जैनुसनम और जिन्नों का बादशाह का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार थे डॉक्टर हामिद हुसैन। भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जैमिनी, भंवर भाटिया, ओबेदुल्ला खान, पदम भंडारी और सोएबा इकबाल। इसके प्रस्तुतकर्ता थे शाकिर अली।